दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि अगर आप लोग चेक करोगे तो इस कंपनी के अंदर फॉरेन निवेशक लगातार बाइंग करे जा रहे हैं। इसके अलावा इस कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट पर जो रिजल्ट आ रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना क्योंकि दोस्तों ये कंपनी जो है आप लोगों को अभी से साल डेढ़ साल पहले मैंने आप लोगों को बताई थी और अभी इसने दोस्तों ज़्यादा खास रिटर्न नहीं दिए। अगर आप लोग देखोगे तो इस साल में कंपनी के मुश्किल से 50% तक के रिटर्न है, लेकिन दोस्तों पिछले 5 साल के अंदर इस कंपनी ने लगभग 350% तक के रिटर्न दिए हुए हैं। अभी के वक्त में दोस्तों कंपनी बहुत ही ज़्यादा माइक्रो कैप है जिसमें रिटर्न का पोटेंशियल अभी भी बचा हुआ है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि आप लोगों को दोस्तों इस कंपनी के बारे जानकारी क्लियर हो पाए। वैसे इस कंपनी का नाम दोस्तों डायनेमिक केबल्स है। इसके अलावा गाइस अगर आप लोग चाहो तो हमारे दूसरे चैनल्स पर भी जुड़ सकते हो जिसका दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। नाम एक का नाम है इन्फोटेक अर्निंग, एक का नाम है गाइस क्विक एनालिसिस, जिसके ऊपर मैं आप लोगों को लगातार माइक्रो कैप कंपनीज बताता रहता हूँ। एक वीडियो में 5 से 7 कंपनीज आप लोगों को बता देता हूँ। अगर दोस्तों मैं आप लोगों को इस कंपनी के बारे में बताऊं तो ये जो कंपनी है यहाँ पर आप लोगों को पावर ऑन इन्फ्रा की केबल्स बनाते हुए देखने के लिए मिलती है। LT, ST और HVC वाली केबल ये कंपनी बनाती है जो कि दोस्तों पावर कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड ये कंपनी केबल आप लोगों को बनाते हुए देखने के लिए मिलती है। इन दिनों दोस्तों कंपनी का शेयर प्राइस सबसे ज़्यादा बढ़ने का मेन रीज़न यहाँ पर ये है क्योंकि दोस्तों ये कंपनी रेलवे की सिग्नल वाली वायर्स भी बनाती है और दोस्तों गवर्नमेंट को भी ये कंपनी अपनी वायर्स को सप्लाई करती है। तो इस वजह से भी कंपनी का शेयर प्राइस आप लोग देख सकते हो पिछले कुछ सालों में बढ़ा है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी EPC कॉन्ट्रैक्टर्स के रिलेटेड भी काम करती है और कंपनी के ज़्यादातर क्लाइंट दोस्तों आप लोगों को एक्सपोर्ट वाले क्लाइंट देखने के लिए मिलेंगे जिसमें कुछ इस टाइप की वायर्स कंपनी यहाँ पर सप्लाई करती है अपने क्लाइंट्स को। बाकी अगर इस कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 1986 की ये कंपनी है जो कि इस सेक्टर के अंदर शुरू से काम कर रही है। 1995 में कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्टार्ट करा था। 2007 में दोस्तों कंपनी ने अपना नाम मतलब डायनेमिक केबल कर लिया। इसके बाद 2017 के आसपास कंपनी का IPO होया जिसमें कंपनी मार्केट लिस्टेड बन गई। बाकी इस वक्त अगर आप लोग देखोगे तो कंपनी जो है 38 से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर अपनी वायर्स को सप्लाई कर रही है जो कि दोस्तों एक अच्छी बात है क्योंकि अच्छा खासा सेक्टर कंपनी ने यहाँ पर कवर कर लिया, अच्छा खासा मार्केट कंपनी ने यहाँ पर धीरे धीरे कवर करना स्टार्ट कर दिया है। ST वाली केबल से कंपनी का 63% तक का रेवेन्यू आता है और LT वाली केबल से कंपनी का 28% तक का रेवेन्यू आता है। और रही बात दोस्तों रेलवे की, जिसके चक्कर में कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ रहा था, वहाँ से मात्र 2% तक का ही रेवेन्यू कंपनी को मिलता है और गवर्नमेंट से ही कंपनी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू निकाल पाती है। बाकी दोस्तों एक्सपोर्ट से केवल 3% तक का ही कंपनी के पास बिजनेस रहता है जो कि मैंने आप लोगों को ओवरव्यू बता ही दिया। बाकी गाइस अगर मैं आप लोगों को इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में बताऊं तो कंपनी के 3 ही मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जिसमें कंपनी टेस्टिंग डिस्पैच फैसिलिटी भी यहाँ पर प्रोवाइड करती है। कंपनी के जो 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसमें से दोस्तों एक आप लोगों को जयपुर में देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर कंपनी इस वक्त लगभग 800 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर रही है और अभी तक दोस्तों कंपनी का ऐसा कहना है कि वहाँ से 1000 करोड़ तक का रेवेन्यू कंपनी निकाल चुकी है मतलब इन 3 ही प्लांट से। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के आप लोगों को अलग अलग टाइप के क्लाइंट्स भी देखने के लिए मिलेंगे जिसमें से अगर आप लोगों को मैं कोजमेंट क्लाइंट के बारे में बताऊं तो इसमें आप लोगों को दिल्ली मेट्रो, इसके अलावा भेल, OPTSL, BSES, टाटा पावर, गोदरेज, L&T जैसे कुछ बड़े बड़े क्लाइंट देखने के लिए मिलेंगे। तो ये है दोस्तों कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। इसके अलावा गाइस अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कंपनी का मार्केट कैप है 1591 करोड़ तक का। ROE से कंपनी का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। सेल्स कंपनी अच्छे खासे कर ले रही है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री भी है। प्रमोटर होल्डिंग कंपनी की ठीक ठाक है। इसके अलावा दोस्तों देखा जाए तो कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आएंगे ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है और जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में बताया इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट लगातार अच्छे खासे आ रहे हैं। कंपनी अच्छा खासा ग्रोथ भी कर रही है जो कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। लगातार कंपनी के सेल्स बढ़ते जा रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और इसमें कंपनी का नेट प्रॉफिट भी पिछले कुछ क्वार्टर से बहुत अच्छा आ रहा है। जिस हिसाब से कंपनी का मार्केट कैप है उस हिसाब से कंपनी का बढ़िया काम कर रही है। ईयर बेसिस पर दोस्तों थोड़ी ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी क्योंकि 768 करोड़ का बिजनेस इस बार कंपनी करा था जो कि पहले 669 था, उससे पहले 564 था। तो उस हिसाब से कंपनी का बिजनेस बेस्ट है। बैलेंस शीट के बारे में बात करें तो रिजर्व की संख्या अच्छी खासी है। निवेशकों ने भी अच्छा खासा अमाउंट लगा रखा है और फॉरेन निवेशकों ने अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो थोड़ा बहुत बाइंग स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों इस कंपनी का नाम है डायनेमिक केबल्स लिमिटेड जो कि 656 रुपीज़ पर चल रही है। आप लोगों को क्या कहना है दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात कमेंट जरूर करना। चैनल पर लगा सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इसमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए।